भारतीय टीम के दो ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम क्रिकेट जगत में आज भी सबकी जुबान पर रहता है। आपको बता दें कि भारतीय टीम के ये पूर्व दिग्गज खिलाड़ी आज भी खबरों में सुर्खियों पर रहते हैं। बता दें कि ये दो दिग्गज खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। हाल ही में इन दोनों खिलाड़ियों ने बुधवार को मुंबई में एक समुराय में अपने गुरु रामाकांत आचरेकर से मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर इस समय तेंदुलकर और कांबली मुंबई के मैदानों पर निकले हैं ताकि क्रिकेट में नई प्रतिभा की खोज कर सके। इसके बाद उन्होंने अपने कोच आचरेकर से मुलाकात की ताकि युवाओं को अपने गुरु के सम्मान का महत्व समझने में आसानी रह सके। तेंदुलकर ने ट्विटर पर इसकी मुलाकात का कैप्शन शेयर किया। बता दें कि तेंदुलकर ने लिखा कि उस शख्स के साथ एक खास शाम जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमें वो बनाया जो आज हम हैं। मुंबई कैंप की शुरुआत करने के लिए हमें उनके आशीर्वाद की जरूरत है। दरअसल तेंदुलकर और कांबली ने भी अपनी क्रिकेट करियर की शुरुआत मुंबई के मैदानों से ही की थी और ऐसा लगता है कि अब वो क्रिकेट को कुछ लौटाना चाहते हैं। 1988 में सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने स्कूल क्रिकेट में 664 रनों की पारी खेलकर नया रिकॉर्ड बना दिया था। सचिन की उम्र उस समय 15 साल के 2 महीने कम थी और वहीं अगर कांबली की बात करी जाए तो कांबली की उम्र 16 साल की थी। बता दें आपको कि उन्होंने श्रद्धा आश्रम विद्या मंदिर की ओर से खेलते हुए सेंट जर्विस के खिलाफ हैरिस शील्ड सेमीफाइनल में 326 और 349 रनों की शानदार पारी खेली थी। नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट डेस्क से गौरव की रिपोर्ट।